जब केआर राहुल रन कर ले रहा था तो हमारे फहीम अशरफ साहब पहले बॉल को पकड़ नहीं रहे थे, वो विकेट को हिट कर रहे थे। वो क्या बेसिक अली भाई, वो कायदा बता दे हमारे शायकीन को। आई थिंक ये सवाल सलमान भट्ट से किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सलमान, सलमान ने भी हम लोगों को ज्वाइन किया है। आई थिंक द बेस्ट वन टू आंसर दिस साहब इज सलमान हिमसेल्फ। कि कैसे इनिंग्स को डिजाइन किया गया, डिवाइस किया गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सलमान आपने सुना है या नहीं, मैंने कहा उन्होंने 350 पे टारगेट अपना सेट नहीं किया था। लुकिंग एट द पिच, उन्होंने अराउंड 300 के करीब किया था। एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट इफ वी डू नॉट लूज विकेट्स एंड सडनली दे गॉट टू 350। तो ये आपको करना पड़ता है। तो बाकी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वो पार्टनरशिप में क्या असल चीज। देखिए अली भाई, ये तो जितने भी बैटर्स ने लंबी क्रिकेट खेली है, चाहे वो फर्स्ट क्लास खेले हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, वॉट एवर क्रिकेट, एक लंबे दुरानी की क्रिकेट जिस बैटर ने भी खेली है, उसको ये बात मालूम है कि जब वो बैटिंग पे जाता है तो कुछ चीजें होती हैं जिसको वो इंश्योर कर रहा होता है। सो ही इज इंश्योरिंग अ पॉइंट ऑफ सेफ्टी फॉर हिज टीम, जिसमें वो कहते हैं कि ये इतना अगर हम स्कोर कर लेंगे ना यहाँ पे, तो ये डिफेंडेबल है, फाइटेबल है, इधर तक हमें पहुंचना चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो बैटिंग करते हैं। वो अपना जो ऑपरेशन है वो अकॉर्डिंगली डिजाइन करते हैं। यानी कि दोनों ओपनर्स आए, उन्होंने फखर की तरह कुछ चलाई नहीं, उनके अगर आप शॉट देखें तो वो क्रिकेटिंग शॉट्स थे, और उन्होंने अटैक को कॉशन के साथ मिक्स किया। अच्छे बॉल भी हो रहे थे, बॉल स्विंग भी हो रहा था, उन्होंने बॉल छोड़े भी, और जब उनके जोन में, उनके हाफ में आए, उन्होंने शॉट भी मारे उस। हमारा अगर आप देखें तो जब इस तरह हमारी बैटिंग आती है और हमें इस तरह के बड़े रन्स करने होते हैं, तो हमारे सिंगल्स भी रुक जाते हैं, स्ट्राइक रोटेशन भी खत्म हो जाती है, और हम फिर जब शॉट मारते हैं ना, तो पता लगता है कि घंटा पहले प्लान किया था कि हुन चला देनी है। इस तरह का शॉट मारते हैं कि कोई भी देखने वाला वह ना बता सकता है कि इन्हें पहले ही सोचा हुआ था। जैसे आज फखर आउट हुआ है और जो दो तीन उसने चौके मारे मिड विकेट की तरफ, वो 100% प्री प्लान शॉट थे कि बस, और वो विकेट के बीच में कवर करके उनको खड़ा हो गया हुआ था। वेर एज लॉग थे बिल्कुल स्लॉग थे। अगर आप विराट कोहली और केएल राहुल की इनिंग देखें, तो जब वो दो कठी विकेटें गिरी तो दे इंश्योर्ड के एक पार्टनरशिप डेवलप हो। पहले 40-40 बॉलों में उन दोनों के 21 और 25 रन थे, मेरा ख्याल है इतने थे लगभग। फर्स्ट 40 बॉल्स में उनका स्ट्राइक रेट 50-60 में था। उसके बाद जब उन्होंने सेट हो गए, उन्होंने 50-60 रन ऐड कर लिए, देन दे स्टार्टेड के एक ओवर में एक चौका लगना शुरू हो गया। वो एक मारता था तो दूसरा मारने नहीं जाता था। दे इंश्योर्ड कि अगर 7-8 रन बन गए तो अननेसेसरी रिस्क ना लिया जाए। और आप आखिर तक देखें कि आखिरी 10 ओवर्स में उनकी रनिंग में उन्होंने कितने रन लिए, कितने टूज लिए, कि पाकिस्तान को उन्होंने कोई ऐसे शॉट नहीं मारे कि जिसमें बहुत सारे चांसेस क्रिएट हुए। वो आखिर तक जो है अच्छे बॉल को वो गैप में खेलते थे और 2 रन लेते थे। और आप देखें, फहीम ने आखिरी ओवर के पहले 3 बॉल अच्छे ही यॉर्कर किए, नहीं हिट लगी। एक शॉट उसने बनाया है वो डिविलियर्स की तरह, पहले वो स्कूप मारने गया, फिर उसने दूसरी तरफ को उसे खेल दिया है, उसके बाद जो है उसने फिर सामने भी छक्का मार दिया, दूसरी शॉट भी क्रिएट कर ली। तो दे हैव दिस मेथड टू मैडनेस, आपको उनकी बैटिंग के अंदर एक मेथड नजर आता है। और अली भाई, कहीं ना कहीं ये वो जो 3 दिन की स्कूल क्रिकेट कराते हैं ना, ये जो डाउनलोड करते हैं बच्चे में, प्रॉपर बैटिंग का मेथड डाउनलोड करते हैं बचपन से, और वो चीज फिर जिस जहन से निकलती नहीं है जब आप बड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली T10, T20, क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, T20, हम तो क्रिकेट को वक्त ही नहीं दे रहे, और फिर जब वक्त आता है तो हम चाहते हैं क्रिकेट जो है हमारा वक्त अच्छा कर दे। तो सिर्फ ये तो पीएसएल है। को दे रहे हैं, सिर्फ पीएसएल के जरिए पाकिस्तान खेल, बस ये है। एक चीज जो सलमान में बात करना चाहता हूँ, वो देखिए तीन चार बड़े कॉमन फैक्टर्स थे। नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, थोड़ा अनलकी भी रहा, बट कल मैंने एक जिक्र किया था कि इस तरह के 100-100 बॉल बीट हो जाते हैं बिकॉज ही वाज शॉर्ट ऑफ लेंथ और बैट से तकरीबन 1 फुट से बॉल दूर जा रहा था। जो उसने आगे किए वो थोड़ा अनलकी रहा, वो बीट हुए। आज उसने आपने कोहली को बॉल किया, वो बीट हुआ। अब कोहली से बेहतर तो कोई ऑन ड्राइव नहीं ना मारता, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑन द ऑन साइड। जितने भी ग्रेट होते हैं वो ऑन पे बहुत अच्छा खेलते हैं। रिजवान ने आपके साथ पता चल रहा है सीम हो रहा है, मिडल ऑफ के बॉल को ऑन पे खेल रहा है। व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट, गॉट बिहाइंड। और फखर वॉज क्लूलेस, जैसे आपने कहा ना कि वो लंबी क्रिकेट खेले हैं,
तो मेरा ख्याल है हम लंगड़ी क्रिकेट खेले, टू बी ऑनेस्ट, इट लुक एज अ विंगलेस शाहीन टुडे। कोई पर्पस नहीं था। मैं जिक्र कर रहा था कि 392 किया साउथ अफ्रीका ने, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने, सर ने चेंज किया फिर 9 ओवर्स में 81 एंड देन केप्ट ऑन प्लेइंग लाइक दैट और 260 प्लस में आउट हो गए 40 प्लस ओवर्स। ठीक है, तो ये क्या खेल रहे थे, फखर क्या खेल रहा था? और अगर आप स्लिप पे कैच छूटा है, आपको ना गुगली पता चल रही है ना आपको कुलदीप भाई, सॉरी मैंने अपने शो में बात ही ये की है कि ना हमें आदिल रशीद चेक होता है, ना हमें राशिद खान चेक होता है, ना कुलदीप चेक होता है, कोई रिस्ट स्पिनर जो है ना उसकी लेग ब्रेक का पता है, ना फ्लिपर का पता है, ना गुगली का पता है, तो हम कर क्या रहे हैं? और जो भी हमारा स्टाफ है, जो हमारे डेटा एनालिस्ट है, वो इनको क्या वीडियोस दिखा? इन्हें तो किसी का हाथ ही चेक नहीं होता। मतलब ये कभी मैंने नहीं देखा पाकिस्तान के। हमें याद है कि हम छोटे छे तो हमारे नेट्स में ना ये पीपल यूज टू बोस्ट के वो जब बॉलर गुगली करता तो बैट्समैन आवाज दे देता था गुगली है खेलने से पहले, लेकिन यहां तो चेक ही नहीं हो रही हमें कि बॉल आ क्या रही है सामने से। मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तानी बैटर्स के साथ जो इस लॉट के साथ है कि स्पिनर्स को तो ये बिल्कुल पिक ही नहीं कर पाते। देखिए ना तो रिस्क से रीड कर रहे हैं सलमान, टू बी ऑनेस्ट। और दूसरी बात यह है कि दुनिया का कोई भी बॉलर हो, आप ऑलमोस्ट तमाम दुनिया के टॉप बॉलर्स को खेले हो, वो कोई ना कोई क्यू जरूर देता है जब वेरिएशन चेंज करता है। उसके बावजूद आप डिसीव हो सकते हो क्योंकि गुगली को रीड करने के बावजूद अगर आप ऑन ड्राइव मारने चले जाओ जितना आप एक्सपेक्ट करें गुगली, या कट मारने चले गए हो कि ये मुझे रूम दे रहा है इनफ होगा लेकिन वो ज्यादा गुगली हो गई है, या सीधा रह गया है तो कॉट बिहाइंड होता है, ये होता है। लेकिन मुझे जो लगा, मैंने ऑलरेडी पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में कहा था कि कुलदीप यादव जो है अगर वो ऑन द डे 4 वाले बॉल नहीं करता तो पाकिस्तान विल स्ट्रगल अगेंस्ट हिम, क्योंकि वो तो रीड ही नहीं कर पाते। और आप देखो कि पहले ओवर उसने थ्रू आउट वो अपनी जो लेग ब्रेक है अंदर आने वाला बॉल किया, गुगली नहीं किया, और जैसे ही राइट ही आता था वो गुगली करता था। तो आप बहुत से क्यूज ले सकते हो कि ये थोड़ा वाइडर तो नहीं जा रहा, थोड़ा ज्यादा करीब तो नहीं आ रहा, कोई हाथ तो नहीं लगा रहा, क्योंकि असल में पता क्या है, असल में इसको खत्म कर दूं क्विकली कि असल में वजह पता क्या, वो जो आप बात कर हमारी ग्रास रूट क्रिकेट से लेके आगे क्रिकेट में, हम पाकिस्तान टीम को तो 16-16 स्टाफ दे देते हैं लेकिन जब डोमेस्टिक क्रिकेट पे आता है तो एनालिस्ट एक वहां का रख लेते हैं, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग करता है, वो एनालिसिस नहीं करता, ट्रेनर भी वहीं से ले लेते हैं। हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट या जूनियर क्रिकेट को वो अहमियत नहीं, जब तक आप बच्चों को उस एज से नहीं सिखाएंगे पाकिस्तान टीम में तो नहीं वो आके सकते। और कोचिंग स्टाफ ने अभी तक अली भाई, कोई भी डाटा एनालिस्ट या कोई भी एनालिस्ट जिसने प्लेयर के साथ बैठना है रेक्टिफिकेशन के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो उसको एटलीस्ट गेम का क्लू तो होना चाहिए, एटलीस्ट किसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग तो उसकी होनी चाहिए, ना कि वो लोगों की जबानी जमा खर्च बातें सुन के वो आके आपको ABCD सबको वही वो सुना दे और उसी के ऊपर जो है वो अपनी जो सारी उसकी टाइम है वो उसके ऊपर बेस करे। और इतना डिसअपॉइंटिंग है कि आपकी अपनी लेगेसी रही है द ग्रेट अब्दुल कादर, मुशी भाई, सकलैन भाई, सईद अजमल, अब्दुल रहमान, यासिर शाह तक, और हम स्पिनर्स को अभी तो इनको लड़कों को गए 10 साल नहीं हुए तो हमें तो लगता है स्पिनर खेलना ही भूल गया। हाफिज जी, शाहीन इज वन ऑफ द बेस्ट इन द फर्स्ट 3 ओवर्स, पहले 3-4 ओवर नए बॉल के साथ, कंपैरिजन कोई नहीं है उसका अभी बुमराह के साथ, ही इज अ कंप्लीट बॉलर। बुमराह जो है वो टेस्ट मैच जिताने वाला बॉलर है, उसने टेस्ट मैचेस जिताए हैं और दुनिया में हर जगह उसने आउट किए हैं, इंडिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, हर जगह जहां जहां वो टीम सीरीज जीती है ही हैज बीन एन आउटराइट मैच विनर। एक्सपीरियंस का भी बड़ा फर्क है और जो वेल कल्चर्ड लॉन्गर वर्जन की बॉलिंग है वो उसमें डाउनलोड हुई है पूरी पूरी तरह, टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली, अपनी जितने एंगल्स वो यूज करता है, जिस लेंथ को वो कंसिस्टेंटली हिट करता है उसका, देखिए हो सकता है ये बात सुन के बुरी लगे लेकिन उसका कंपैरिजन ड्रॉ नहीं होता। हमारे तो जो बॉलर हैं बेचारे किसी के 20 फर्स्ट क्लास के, तीनों के मिला के 20 मैच नहीं है फर्स्ट क्लास के यार, उसके तो मेरा ख्याल है 60-70 उसके टेस्ट मैचेस हैं।
और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल क्रिकेट 3 दिन की खेली हुई है। हर सेशन में आपको लेंथ एडजस्ट करनी पड़ती है, आमिर भाई बताएंगे आपको, फास्ट बॉलर रहे हैं, हर सेशन में जब पिच में तब्दीली आती है आपकी लेंथ आपको तब्दील करनी पड़ती है, आपको अकॉर्डिंग टू जो अपना जब पार्टनरशिप लग जाती है या कैप्टन आपको सर्टन फील्ड देता है आपको फॉरन एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। इधर तो ऐसी कोई कहानी ही नहीं है। वो आप देखें ना, इंटेलिजेंस देखें, मुझे बताएं आज बॉल सीम हो रहा था, यही इंडिया की बॉलिंग थी जिसने दुबई में पाकिस्तान को बाउंसरों पे आउट किया था, उधर लेटरल मूवमेंट नहीं थी। आज आपने बाउंसर कितने देखे उनके, कितने स्लोअर बंद देखे उनके, उन्हें हेल्प मिल रही थी उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, बेसिक बॉलिंग पे आ गए वो। इसी पिच पे आप अपनी अपने लड़कों की बॉलिंग देख लें, पहले ओवर में स्लोअर वन भी मिलेगा आपको, बाउंसर भी मिलेगा, अराउंड द विकेट भी आ जाएंगे 8 बॉलों के बाद। सो दिस शोज यू द इमैच्योरिटी, द इम्पेशेंस व्हाइल ऑपरेटिंग। तो ये बड़ा फर्क है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स। हो सकता है पाकिस्तान आगे जीत जाए, पाकिस्तान की नेचुरल एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो गेम अवेयरनेस है ना और जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो स्पोर्ट की है, जिसके लिए आपको कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं होना पड़ता, वो उसमें बहुत फर्क है दोनों में। तमाम टीमें जब इस तरह की पिच पे हमारी बैटिंग को देखेंगी ना, तो दे विल विश के जो तो साढ़े नाल मैच हो ना, तो इस तरह की पिच हो जिसमें थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग को हेल्प मिले, कि जो हमारी टेक्निक है अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग, कि ना हमारा पाँव आता है और ना हमारी कोई पोजिशन होती है, और आई थिंक कि हमारी अटेंशन टू डिटेल बिल्कुल नहीं है, स्पेशली जब हम प्लेयर्स को कह लें कि उनको कंप्लीट कर रहे होते हैं या जब वो इनका प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसके अंदर अटेंशन टू डिटेल नहीं है। अभी फर्स्ट क्लास का पहला राउंड चल रहा है, आप सिर्फ उसके डिसमिसल्स मंगवा के देख लें, ये पहले 2 दिन जो हो गए हैं, मैं तो 2 दिन से जा रहा हूँ, आप सिर्फ डिसमिसल्स मंगवा के देख लें, हल्का सा बॉल हिलने की देर है, मैंने पाँव जो है ना वो आपको कहीं नजर ही नहीं आते। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना, जो आप छोटे फॉर्मेट में पूरा साल गुजारते हैं और उसके बाद बड़े की आपको समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है, उसमें आप लिटरली जब समझ नहीं आती फिर आप बोर भी हो जाते हैं, फिर आपका दिल भी नहीं लगता और फिर आप उसमें फोकस भी नहीं करते कि लर्निंग का प्रोसेस शुरू हो, उसमें कोई अट्रैक्शन भी नहीं हमने रखी, हमने बच्चों को एजुकेट ही नहीं किया कि भाई अगर पूरा प्लेयर बनना है तो ये है असल पाथवे, ये है हमने पाथवे क्या बनाए, PJL माशाल्लाह सदके जाओ उनकी सोच के, हमारे पाथवे क्या है, बजाय के स्कूलों को आप जाके कहते हैं कि कोई स्पोर्ट की पॉलिसी बनाएं, कोई 2 डे क्रिकेट इंडक्ट करें, कोई प्लेयर्स को उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्लेयर्स जाके उनसे बातचीत करें, उन्हें क्रिकेट पे एजुकेट करें, उन्होंने माशाल्लाह 10-10 ओवर के मैच स्कूलों ने कराने शुरू कर दिए और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। कॉलेज क्रिकेट अली भाई के दौर में ग्रेड 1 खेलती थी, ट्रॉफी खेलती थी कॉलेज की टीम, यूनिवर्सिटी की टीम। आज यूनिवर्सिटी की चैंपियनशिप कितने ओवर की है, 20 ओवर की चैंपियनशिप है,